हेलो माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। अगर ये वाला माइक भी काम कर रहा है तो अच्छी बात है। समथिंग हाउ माय डे विल स्टार्ट अप एंड दिस इज़ व्हाट इट्स गोइंग टू लुक लाइक। ये मैं हूँ और ये मेरी और हमारी व्हाट डू वी कॉल इट पार्टी हो रही है। उल्टा कर रहा हूँ बेटा। दैट वाज जस्ट चेकिंग ऑल द नॉइसेस एंड वॉइसेस। ऐसा होना चाहिए ना बस कि चलो भैया निकलो वाली बात। लास्ट मोमेंट में गुफ ऑफ नहीं चाहिए भैया मुझे। तो फिर भाई लोगों, आज से है चैप्टर 2 नई कहानी शुरू, जिसका मतलब है मोडो व्लॉग्स ऑन योर वे बेबी आएंगे। मोटो ब्लॉग्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मोटो ब्लॉग्स, दिस विल बी द प्रॉपर मोटो ब्लॉग्स ब्रो। हैं 11 बज चुके हैं, दरवाजा तुरंत बंद कर दिया। अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कुत्ते पड़ते क्यों है भाई इस बाइक के पीछे। अरे रुक जाओ भैया, स्लोली एंड स्टेडली जाएंगे कि जल्दी थोड़े ना ऑफिस पहुंचने की। चाहे BMW हो मर्सिडीज हो, औकात तो वही सड़क में खड़ी कर रखी है बेचारे ने। ये देखो इतनी सारी सड़क तो वैसी घिरी पड़ी है यार। सही में यार ठंडी हो रखी है। नहीं गाय हमारी माता है, टोटली रिस्पेक्ट दैट, बट ये खाना सड़क में डालना दिस इज़ नॉट रिस्पेक्ट ना। ये हमें परेशान करने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात, गौशाला खोल दी, जैसे ही गायों का काम ख़त्म फेंक दो उन्हें, ये वाली हालत है यहाँ पे, विच इज़ अगेन वेरी बैड यार। एक तरफ है भक्ति, दूसरी तरफ क्या ही बोले, छोड़ो छोड़ो बे, एंजॉय द लाइफ। हल्की हल्की सनराइज, राइडिंग टूवर्ड्स माय ऑफिस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ब्रो। गेट रेडी फॉर दैट सेम, क्या कहते हैं इसको, बोलते हैं ट्रैफिक जैम ब्रो। अच्छी बात तो ये होगी कि कम से कम ये CISF वाली रोड बन गई, वरना तो बड़ी दिक्कत होती थी भैया जाने आने में। आई रिमेम्बर ये पूरी सड़क टूटी हुई होती थी और आपको ऐसे ही जाना पड़ता था जैसे कि मतलब गुनाह कर दिया है कोई। कोई जल्दी नहीं है अपने को ब्रो, आई विल राइड स्लोली एंड स्मूथली। अभी हेलमेट पे जब से माइक लगाया ना मैंने, कोई टेस्टिंग नहीं करी, कुछ नहीं करा, मुझे सीरियसली नहीं पता कि वो क्या रिकॉर्ड कर रहा है, आवाज़ अच्छी आ रही है नहीं आ रही, मैं कुछ नहीं बता सकता अभी फ़िलहाल। हाँ बस इतना ज़रूर है कि ये है कि घर पे टेस्ट कर लिया था, एटलीस्ट आवाज़ तो रिकॉर्ड करना है, इतना तो अंदाज़ा है थोड़ा बहुत। एक जो सबसे बड़ा चैलेंज और फंडा है ना हमारी लाइफ का, वो ये है कि लेफ़्ट से ओवरटेक मत करो। अरे ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई, वी आर बाइकर्स, हम लेफ़्ट और राइट का ओवरटेकिंग का इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि राइट में जाना हर वक्त हमारे लिए पॉसिबल नहीं है और लेफ़्ट में होता है ट्रैफिक कई बार। अब लोगों को लेफ़्ट जाना है तो वो राइट में रहेंगे, राइट जाना है तो वो लेफ़्ट में रहेंगे, उन्हें खुद तो पता होता नहीं कि उन्हें जाना कहाँ है, और उस जाना ना जाने के चक्कर में ना अपनी वाट लग जाती है हम जैसे बाइकर्स की। तो थोड़ा सा सिंपथी दो हम लोगों के लिए भैया, इतनी सर्दी में हम लोग बाइक चलाते हैं, मजाक है क्या कोई नहीं ना। अभी बेचारे साइकिल वाले कहाँ चलाएंगे, इनसे बचो, इनके लिए तो और बड़ा चैलेंज है। द रीज़न इज़ कोई पेमेंट ही नहीं है और ये तीनों देखो भाई साहब महाशय जी ऐसे चल रहे हैं जैसे सड़क इन्हीं ने खरीद ली हो। कोई ट्रैफिक नहीं है यार, दिस इज सो कूल, आई मीन बहुत दिनों बाद इधर से गुजर रहा हूँ मॉर्निंग टाइम में, अच्छा लगता है सब कुछ देखते हुए। चलो अपने अगल बगल सीनरी तो नहीं कहूँगा, सोक इन द
एक तरीके से बोले तो ट्रैफिक। तो ऐसे ही है भैया, डिसाइड यही करा है कि डेली ऑब्जर्वेशन करेंगे, और उल्टे आ रहे हैं ये लोग, इनका दिमाग है सटका हुआ थोड़ा सा। हम डेली ऑब्जर्वेशन करा करेंगे, आपको वही दिखाया करेंगे जो है। और इसको देखो भैया, अबे लेफ्ट इंडिकेटर भी नाम की चीज़ है, दोनों ही बिना इंडिकेटर के मुड़ रहे हैं। देखो बाप की सड़क है, करने ही क्या इंडिकेटर देखे है ना। वो फोन में बिजी है, ये तो साला अपनी दुनिया में बिजी है। पता है ऐसे लोग है ना, आसपास चलाने में भी डर लगता है, क्योंकि पता नहीं कब दिमाग ख़राब हो जाए। वैसी खराबी है, और कितना ख़राब हो जाए, और उसके बाद क्या ही कर बैठे ये लोग। तो इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम दीज स्टूपिड इडियट गाइज। वैसे तो ये गाड़ी कह रही है 50,771 हम चल चुके हैं, बट ये रियल टाइम यू नो मीटर रीडिंग नहीं है, बिकॉज अभी तक मेरे 2 बार मीटर चेंज हो चुके हैं रॉयल एनफील्ड शोरूम में ही। पहले 2 बार में उसमें फॉगिंग का इशू आ चुका था, कि जो मीटर के अंदर फॉग आता था वो अभी भी गया नहीं है, ऑल्दो बट तब वारंटी में थी तो चेंज हुए जा रहे थे, और अपने को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब इसकी सारी लाइट्स जो हैं यहाँ वाले पोर्शन की, वो ख़राब हो चुकी हैं। तो अब इसको चेंज कराऊं या ठीक कराऊं मुझे नहीं पता। कायदे से तो यही होना चाहिए, सामने वाला स्लो डाउन करे तो विदाउट नोइंग आपको ब्रेक मारना चाहिए पहले, रेदर देन लेफ्ट और राइट जाने की। जो कि कई लोगों को बीमारी है कि सामने वाला स्लो रहा है तो या तो वो लेफ्ट चले जाएंगे या वो राइट चले जाएंगे। अरे नहीं भैया, ब्रेक मारो, पीछे देखो, आगे देखो, साइड में देखो, सब जगह देखो। बहुत जगह ट्रैफिक होता है एंड पीपल आर लाइक कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू ना, तो दिक्कत होती है भाई। ये चौक कभी नहीं सुधरेगा, ये चौक खूबसूरती में सुधर चुका है बट इंसानियत में नहीं। इंसान वही है, स्टूपिडिटी वही है, बेवकूफ़ियाँ अभी भी वही हैं, एंड दोज आर द पीपल जो अभी भी गुटखा खा के काम चला रहे हैं। पुलिस वाले आएंगे आएंगे, किसी दिन ये भी लपेटे में आएंगे, डोंट वरी। अभी तो बस नज़ारे के मज़े लो, बहुत दिनों बाद इस रूट से निकल रहा हूँ मैं, आई एम स्टिल एंजॉइंग इट। आज का दिन एंजॉयमेंट के लिए रखते हैं ना अपने रूट को, काहे उसको बर्बाद करें। ब्लॉग्स थोड़े बड़े ज़रूर हो जाएंगे बट आई मेक श्योर, क्योंकि इतना इंटरटेनमेंट होगा ना, लोग ऐसी ऐसी स्टूपिडिटी करते हैं पूछो मत भाई। कैप्चर करने में अलग ही मज़ा आता है ना, ज़िंदगी के मज़े आ जाते हैं। वो इतना लंबा रास्ता जितना मेरे लिए, उतना ही लंबा स्टूपिडिटीज़। ये देखो बिना कहीं भी मुड़ जाते हो वो देखो अभी भी वहीं चले जा रहा है बिना इंडिकेटर के। ऐसे बहुत मिलेंगे, बहुत बहुत का मतलब बहुत भाई, जिनको सीरियसली नहीं पता वो सड़क में कर क्या रहे हैं। यार एक चीज़ तो अच्छी ये हो गई है कि NCR एंड दिल्ली, स्पेशली NCR में, अब दिल्ली में तो खैर वो तो हो ही गया था कंपलसरी कि हेलमेट पहनना जरूरी है, अनिवार्य है। यहाँ पे भी देखो कंपलसरी तो है, चलान कभी भी कट सकता है, बट यूजुअली पीपल डोंट केयर टू मच। बट उसके बाद भी मैं ये चीज़ देखता हूँ कि 2-व्हीलर पे ज़्यादातर लोग हेलमेट पहनते हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव एंड अ गुड साइन। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भैया सेफ्टी एंड सुरक्षा अपने ही हाथ में है, यू नो। हेलमेट पहनना आप दूसरों के लिए नहीं पहन रहे हो, या चलान से बचने के लिए नहीं, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए। Somebody is waiting at your home, baba. And if you are alone, then think or imagine कि somebody may wait in future for you at home. ये जो डर लगता है ना, ये इन्हीं से लगता है जो बिना बताए इधर उधर सरपट होके चलते हैं, मतलब लहरा के सांप की तरह। नहीं, इसकी भी सर्विसिंग के लिए देना है,
हैंडल टी थोड़ा सा स्टिफन अप होने लगा है, जिसकी वजह से आई हैव टू रसल विट इट, रसल करना पड़ता, थोड़ा सा मेहनत वाला काम है। मैं करने को तो खुद ही कर लेता, बट यार वही वाली बात है ना, वक्त नहीं मिल पाता इतना, ऑफिस के साथ तो कतई नहीं, और बच्चा है घर में, उसको भी ध्यान देना होता है, बहुत सारी चीज़ें। तो इट्स बेटर अपने बल्लू भाई के पास छोड़ दिया जाएगा, ही टेक केयर ऑफ दिस। अरे भैया ये देखो, ये जो बिना बताए इधर उधर खो लेते हैं ना, यही मैं कह रहा था, ये सब ओले 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 कर देता हमारी ज़िंदगी में। देखो ये देखो भाई साहब, डॉक्टर साहब ने तो लंका लगा देनी थी मेरी, ऐसा कौन सा कट मारना था डॉक्टर साहब। देखो आना सीधा ही है उन्हें, बट उन्होंने मेरे को उंगली करनी थी तो कर दी उन्होंने उस टाइम। एनीवेज अब ये स्ट्रेट पुल सीधा चलेंगे, सीधा चलने के बाद जहाँ ये पुल ऑलमोस्ट ख़त्म होता है वहाँ से हमें लेफ्ट काटना है, थोड़ा सा और आगे चलना है, विल रीच आवर डेस्टिनेशन। तो ज़्यादा लंबा या मुश्किल रास्ता नहीं है, बट हाँ बेवकूफ़ और इडियट्स बहुत मिलेंगे इस दुनिया में, रोज की कहानी होगी, मेरी जुबानी होगी। ये देखो हेलमेट का बहुत ही अच्छा प्रयोग करा जा रहा है। पैरों के पास नहीं, पैर बजाएगा ना घुटना, नी प्रोटेक्टर, बट एक ही नहीं बचेगी। जुगाड़ रनिंग ऑन रोड, हमें बोला जाता 10 साल बाद गाड़ी टाम, और इनका कोई आता पता नहीं भाई साहब, जिंदगी तो ऐसी। उस हेलमेट का क्या ही फायदा जो भाई साहब ने लगा रखा है। काइंड ऑफ अ फनी सिचुएशन, जैसे पुलिस वाला आएगा नीचे हो जाएगा टपक करके, लेकिन जब इसके काम आएगा ना हेलमेट, उस टाइप पे वो भूलेगा। एक तो वज़न इतना हैवी है, डेफिनेटली नीड अ गुड हेलमेट ब्रो। कोई मस्ती नहीं, कोई जल्दी नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, बाइक कंट्रोल में, हम भी कंट्रोल में। अब वो पता नहीं कि टाइम कितना लगा, दैट इज़ अननोन टू मी, although पर ठीक है ना। एक मिनट रुकते हुए क्या ही है? किस कंपनी में जा रहे? एक सेकंड रुकते ना आप उस तो। अच्छा वो गाड़ी थी ना, मुझे नजर नहीं आया पीछे, आप हाथ भी दे रहे हो। ये कैमरा लगा है? हाँ। रोड सेफ्टी, आज पहली बार मिले हो आप मुझे, मैं भी तो 2 साल बाद आ रहा हूँ यार। चलिए थैंक यू भैया। Welcome to my office.